नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी चाचा में। मैं हूं आपके साथ अजय चौधरी। आज हम आए हैं फरीदाबाद में लेकर आपको। फरीदाबाद का सेक्टर 85 ये है, यहां पर आपको हम लेकर आए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग दिखाने। ये S3 का ग्रीन एवेन्यू है। यहां पर प्रोजेक्ट जो है ये अप्रैल 2024 में है जो कम्प्लीट होगा, लेकिन सैम्पल फ्लैट जो है वो रेडी हो गया है। आपको 3 BHK मिल रहा है यहाँ पर मात्र 26.33 लाख में। और सिर्फ इतने में नहीं, आपको इस पर सब्सिडी भी मिलेगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग है उनकी। और PM आवास योजना के तहत आपको 2.67 लाख के करीब इस पर सब्सिडी भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं बैंक से लोन भी करवा सकते हैं, रेरा से अप्रूव्ड भी है और सारी ही चीज़ें हैं, बैंक भी है, रेरा भी है, सारी ही चीज़ें हैं। और आपने जो इससे वीडियो से पहले देखा है, एक सैम्पल वीडियो आपने देखी है, छोटी सी वीडियो जो हमने आपको हाईलाइटेड वीडियो दिखाई है। अब हम आपको डिटेल में फ्लैट घुमाते हैं, आराम से सारी चीज़ें दिखाते हैं कि क्या क्या आपको मिलेगा, कितना एरिया है इस फ्लैट का, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा आपको दिखा देते हैं कि पड़ता कहाँ है, कैसे आप किस रोड से आएँ, नियरेस्ट इसके कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, मेट्रो से कितनी दूर है, वो सारा आपको दिखाते हैं। पहले ये देखिए, S3 का ग्रीन एवेन्यू फरीदाबाद के सेक्टर 85 में पड़ता है। दिल्ली मथुरा रोड हाईवे और ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 10 मिनट की है। बाईपास रोड जो अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा बन रहा है और 10 लेन का इसे बनाया जा रहा है, उससे इसकी दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है। ग्रेटर फरीदाबाद का मास्टर रोड भी इससे काफी करीब है, जिसकी दूरी 300 मीटर ही है। ग्रीन एवेन्यू का सबसे करीब लैंडमार्क अमोलिक चौक है, जिसकी यहां से दूरी 500 मीटर के करीब है। इस सोसाइटी के आसपास 3 से 5 बड़े अस्पताल हैं और 10 से 12 बड़े स्कूल भी इसके आसपास हैं। तो देखा आपने नियर बाय लोकेलिटी, आपने देखी एरियाज, देखे स्कूल्स, देखे सारी चीज़ें, देखी मेट्रो से डिस्टेंस देखा। अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं फ्लैट के अंदर और दिखाते हैं कि ये कैसे फ्लैट हैं। और एक हमारा ये मैप यहाँ पर छोटा सा इसका जो है लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं। पहले इसमें 645 स्क्वायर फीट का ये टोटल एरिया है, 645 स्क्वायर फीट का। और आपको बालकनी मिलेगी यहाँ पर, आप मैप के जरिए देख ली, फिर आपको फ्लैट के अंदर लेके भी चलते हैं। ये 112 स्क्वायर फीट की बालकनी मिल रही है आपको, दोनों जो बेडरूम हैं उनसे इस बालकनी का आप जा सकते हैं, एसेस कर सकते हैं बालकनी को। ड्राइंग रूम है और डाइनिंग एरिया भी आपको मिल रहा है, किचन है, यहाँ पे भी एक बालकनी है। और ये गेस्ट मास्टर बेडरूम जिसे आप कहते हैं, गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं, और टॉयलेट्स हैं अटैच इसके साथ। ये बाहर से इसकी एसेस है और ये इसके साथ है अटैच। तो अब हम आपको ये छोटा सा हमने सैंपल दिखा दिया, अब आपको इसी तरह समझ में आ जाएगा कि अंदर से कैसा है। और अंदर अब आपको लिए चलते हैं, वीडियो आप देखिए। फ्लैट में सबसे पहले एंटर करते ही आएगा आपका ड्राइंग रूम। 11x15 के करीब का ये एरिया है। आप ड्राइंग रूम को इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ आपका सोफा आ जाएगा और घर में आने वाले गेस्टों को आप यहां पर बैठा कर एंटरटेन कर सकते हैं। ड्राइंग रूम के साथ ही आपको यहां पर डाइनिंग टेबल के लिए स्पेस मिल जाएगा। आप इस तरह से बेहद खूबसूरती से यहां डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। ये सब सामान जो आप देख रहे हैं ये आपको बिल्डर की तरफ से नहीं मिलेगा, ये बस एक सैंपल फ्लैट आप देख रहे हैं जिससे आप समझ सकें कि आप उसमें कैसे चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। अगर बात अब डोर्स की करें तो इस घर में बोर्ड के डोर्स हैं, ये बोर्ड है, और जो डोर फ्रेम है वो आपको आयरन का मिलेगा। ड्राइंग रूम और डाइनिंग के बाद अब आपको सीधे लिए चलते हैं किचन एरिया में। यहाँ इन्होंने आपके लिए बेहद अच्छे तरीके से किचन को डिजाइन करके दिखाया हुआ है, जिससे किचन में काफी स्पेस निकल कर आ गया है। और किचन आपका जो है ये भी 7x8 के करीब का है। यहीं साइड में डाइनिंग टेबल के पास आप अपना फ्रिज भी लगा सकते हैं। किचन में से ही आपको एक डोर के जरिए छोटी सी बालकनी मिल जाती है, जिसमें आप अगर खुले में कुछ पकाना चाहें, किचन का सामान और सिलेंडर या फिर वॉशिंग मशीन आदि रख सकते हैं। हालांकि यहाँ आपको PNG कनेक्शन भी मिल जाएगा फरीदाबाद में। और किचन के बाद अब आपको लिए चलते हैं कॉमन टॉयलेट में। इस टॉयलेट को आप बिना किसी बेडरूम में जाए बिना सीधे एक्सेस कर सकते हैं। 7x4 के करीब का इसका एरिया है। ये होम मेंबर्स जो हैं आपके, उसके अलावा बाहर से आने वाले गेस्ट के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। गेस्ट को जो है टॉयलेट के लिए बेडरूम से होकर इसमें नहीं गुजरना होगा। अब आपको लिए चलते हैं किड्स बेडरूम में। 10x10 के करीब का ये रूम है। बिल्डर ने आपके लिए बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसे अरेंज करके दिखाया है। स्टडी टेबल के साथ 2 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं। एक अलग से अलमीरा भी इस रूम में आपको मिल जाती है, जिसमें घर का काफी सामान जो है वो एडजस्ट हो सकता है। इस रूम से आपको बड़ी विंडो के साथ बाहर बालकनी का एक्सेस भी मिल जाएगा। और 112 स्क्वायर फीट की, जैसा कि हमने आपको
बाहर भी बताया था, इस बालकनी का ये एरिया है जो आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पर आप पेड़ पौधे और अपने तरह से सजावट भी कर सकते हैं, बहुत सारे इस्तेमाल में इस बालकनी को आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही दूसरे बेडरूम से भी इसका एक्सेस है। अब आपको ले चलते हैं किड्स बेडरूम के साथ वाले बेडरूम में। ये देखिए, अब हम एंटर कर रहे हैं सेकंड बेडरूम में। इसे आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। इसका भी साइज 10 बाय 10 के करीब ही होगा। इस बेडरूम में बड़े बेड के साथ आप अपनी जरूरत के अनुसार टीवी सेट भी लगवा सकते हैं। यहाँ भी आपको कपड़े और अन्य सामान रखने के लिए अलमीरा का स्पेस मिल जाएगा। हम अलमीरा को ओपन कर आपको इसकी थोड़ी गहराई दिखा देते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितनी गहरी है और कितना सामान इसके अंदर जो है वो आ सकता है। अलमीरा के साथ आपको एक बड़ी विंडो और बालकनी में जाने के लिए डोर भी मिलेगा एक। ये वही बालकनी है जिसका एक्सेस आपको किड्स बेडरूम से भी है। इन दोनों रूमों से इसका एक्सेस है। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं गेस्ट बेडरूम में। इसका भी साइज 10 बाय 10 के करीब है, यानी कि इस फ्लैट में आपको लगभग इस साइज के 3 बेडरूम मिल रहे हैं। इस बेडरूम की खास बात यह है कि आपको इसमें 7 बाय 4 के करीब का अटैच टॉयलेट भी मिल रहा है, जिससे गेस्ट को बाहर वाले टॉयलेट में नहीं आना पड़ेगा, वो रूम से ही इसे एक्सेस कर पाएगा। जरूरी नहीं है इस रूम को आप गेस्ट बेडरूम ही बनाएं, आप अपनी मतलब जो सुविधा के अनुसार इन रूम्स को और अपने इस ड्रीम फ्लैट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्लैट जो है वो आपने देखा, बेहद खूबसूरत ये फ्लैट है। अब बात कर लेते हैं सोसाइटी के बारे में। इस सोसाइटी में आपका जो फ्लैट है वो 3 साइड ओपन होगा। यहाँ साइड में कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है जो इस सोसाइटी की है। कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं आ रही है, लोगों की रहने की सोसाइटीज़ हैं वैसी जिनमें बिल्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये जो हाई राइज जो बिल्डिंग ना आने की वजह से आपके फ्लैट तक जो है नेचुरल लाइट आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इससे आपका जो व्यू है जो आपको फ्लैट से मिलेगा वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस सोसाइटी में आपको आंगनवाड़ी सेंटर और कम्युनिटी सेंटर भी मिलेगा, जहां आप अपने छोटे मोटे फंक्शंस कर सकेंगे। साथ ही यहां बच्चों के खेलने के लिए पार्क और सोसाइटी की स्टार्टिंग में ही दुकानें भी बनाई जा रही हैं, जहां आपको अपनी जरूरत का सामान वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाएगा। ये सोसाइटी में बड़ी अच्छी बात है कि शॉप्स के लिए भी जगह छोड़ी गई है, ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े, बहुत सारे कामों के लिए आपको कार ना उठानी पड़े, आप पैदल ही जाएं और अपनी मार्केट्स में, सोसाइटी की मार्केट है बड़ी अच्छी अपनी, उसी से आप अपना सामान ले आएँ। तो हमने इस वीडियो में आपको दिखाया S3 का ये प्रोजेक्ट 3BHK फ्लैट, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो नंबर हमारा जो है फ्लैश हो रहा है लगातार स्क्रीन पर, आप नंबर मिलाइए, फ़ोन उठाइए और कांटेक्ट कीजिए हमसे। इसको लेने के संबंधित आपके कुछ और भी सवाल हो सकते हैं, वो सारे सवालों का जवाब हम देंगे, आपको साइट विज़िट कराएंगे। आपको अगर पसंद आ रहा है तो बहुत कम समय में, ये बहुत कम फ्लैट्स यहाँ पर बचे हैं, आप क्योंकि लगभग एक ये 1BHK भी था इसमें, वो सोल्ड आउट हो चुका है इसी प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन ये 3BHK अभी बचा हुआ है, इसमें बहुत सारे फ्लैट्स अभी आपको मिल सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर हमने दिया है, स्क्रीन पर भी लगातार फ्लैश हो रहा है। और प्रॉपर्टी चाचा हमारा ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, और पेज जो है हमारा इसी नाम से है फेसबुक पर, उसको लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहाँ पर भी जाकर उसको फॉलो कीजिए। तीनों चीज़ें आप कीजिए, ज़रूर कीजिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हो, हम इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर जो है मौजूद हैं, और ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी लगातार। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम आपको लेकर आते रहेंगे, आपके लिए दिखाते रहेंगे। नमस्कार।